हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक आरजेक्स। मेरा नाम है रजत। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के जैसे या फिर गेमिंग थंबनेल बताने हैं किस तरीके से बनाना है, वही भी मोर्टल शॉपिंग या तो फिर बहुत सारे नए नए गेम्स। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी गेम्स खेलने वाले बंदे हैं उनको पता ही होगा कि थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। बट गाइज, मैं यकीन मानिए, मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप लोग अपना रूम या फिर कोई सा भी आप लोग यहाँ पे अपना गेमिंग थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो से जितने भी जन है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है हमेशा की तरह कैनवा ऐप में, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा ऐप में जाने के बाद canva.com में फिर से आपको दिखा देता हूँ canva.com। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई देगा। ऊपर आपको सर्च बार दिखाई दे रहेगा, वहाँ पे आपको YouTube थंबनेल टाइप करना है। क्या टाइप करना है? YouTube थंबनेल। जैसे ही आप लोग यहाँ पे YouTube थंबनेल टाइप करोगे आपको इस तरीके से नीचे ब्लैंक पेज दिया रहेगा, इस तरीके से वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सिंपल से आपको ये पेज ओपन कर लेना है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना जितने भी जनना है। लेफ्ट कॉर्नर पे आप जाते हो तो एलिमेंट सेक्शन दिखाई देगा आपको और एक अपलोड सेक्शन दिखाई देगा। ये दो सेक्शन हमको ध्यान से यूज़ करना है और बहुत ही मतलब ये दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सिंपल तरीके से मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आपको कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्नो गेमर्स के थंबनेल पर जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर मॉडल रूम लिया हुआ है। ठीक है, अब गाइस ये तो एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं वो आपको खुद को नहीं पता, मैं आपको सिंपल सा बता दूँ कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे ये तो AI की मदद से लिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट गूगल से ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे AI समझ में नहीं आएगा। तो आपको लिखना है शॉप फोटो रियलिस्टिक इमेज। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखोगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखो फोटो रियलिस्टिक इमेज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये वाला है वो वाला बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगे। तो मैं सबसे पहला एक काम करता हूँ, मैं शॉप की फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि स्टोर्स है। ठीक है, जितने भी स्टोर्स के फ़ोटो है सब मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, यहाँ पे ये हो गया, शॉपिंग वाले स्टोर्स हो गए, जो भी इतने भी है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके से यूज़ करने का। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। गाइस सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी इमेज होंगे तो मैं देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, राइट, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कैनवा ऐप में और जो मेरे पास इमेज है उसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास दो इमेज मैंने लिए हुए हैं तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये वाला है, इसको हम लोग देखेंगे तो ग्राफिक्स इसका क्लियर नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। बाकी इसको देखेंगे तो इसका ग्राफिक्स बढ़िया है और मज़ेदार भी है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को ऐसा नाइट व्यू में तो दिखाना नहीं है गाइस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा सेट, इसको मैं क्या करूँगा एडिट इमेज में जाऊँगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करूँगा तो सिर्फ होटल मेरे को शायद दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ट्रीज जो भी है साथ में दिखाई देगा। तो हम लोग इसको ले लेंगे, राइट। अब इसके पीछे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैनर लगा देंगे एक अपना। ठीक है, बैनर लगा दिया यहाँ पे। मैं बैनर कैसे लगाऊँगा यहाँ पे और भी देख सकते हैं। होटल बैनर, देखो यहाँ पे होटल बैनर दिखाई देगा। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाओगे तो यहाँ पे बैनर दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैनर ले लेता हूँ कुछ रहेगा तो देखता हूँ ग्राफिक्स में मिल गया तो। नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम बैनर लिख दूँगा इस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास आ सकते हैं, कोई मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट सिंपल सा मोटल रूम करके लिख देंगे। ठीक है, जैसा भी आपको लगता है। ऐसा करके आप लोग को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ तो बैनर ढूंढना पड़ेगा, और अपने पास इतना टाइम नहीं कि समझाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ के लिए कि यहाँ पे दिखा दूँ कि कैसा क्या है। आप लोग जहाँ से आपको जैसा मन करता है वहाँ से आप लोग इस तरीके से बैनर ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले लोगो ले लेता हूँ, मोटल मैनेजर, ठीक है, मोटल मैनेजर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे लोगो ले लूँगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेव इमेज ऐसा करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड सेक्शन में जाऊँगा, अननेम कर दूँगा यहाँ पे, इसको ले लूँगा, ये है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका लोगो लेना है मुझे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट बैकग्राउंड रिमूव जेड, अगर ये नहीं हो रहा है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैजिक इरेजर में जाऊँगा और ब्रश का साइज़ बढ़ा दूँगा, ये पूरा डिलीट कर दूँगा पोर्शन, पूरा पोर्शन डिलीट करना है। आप लोग देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा, राइट। इसको मैं पूरा पोर्शन डिलीट कर दूँगा, ठीक है। छोटा कर देना ब्रश, इरेज करना है, अब बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। नहीं हुआ, ठीक है, एक काम करते हैं, सिंपल सा इसको वो कर देना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से अटैच करना है इस तरीके को, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप कर देना है, इसको छोटा करना है या तो फिर इसको मैनेज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे स्काई अपनी तरीके से ऐड करना है, आपको जो भी लगता है। स्काई एलिमेंट्स में जाना है, स्काई बड़ा चाहिए तो बड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा स्काई आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लूँगा तो इसको भी ले सकता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, लेयर, सेंड बैकवर्ड, इस तरीके से करूँगा तो, सॉरी वाई, इसको मैं राइट क्लिक, लेयर, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सॉरी सेंड बैकवर्ड, इस तरीके से करूँगा तो पीछे चले जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखना है नियॉन लेबल, लेबल बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से ले लेना, देखो यहाँ पे ओपन दिया रहेगा, यहाँ पे चीज़ दिया रहेंगी, ठीक है, सब चीज़ दिया रहेगा यहाँ पे, और भी है। यहाँ पे जाना है, ग्राफिक्स में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड वोर्ड, ओके। तो आपको यहाँ से ले लेना है जो भी है, यहाँ पे चिपका देना है जैसे, ठीक है, इस तरीके से चिपका दो, जैसा भी चिपकाना है चिपका सकते हो आप लोग, राइट। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है जो भी है, मोटल मैनेजर जो भी है, ठीक है, बड़ा करके, राइट। ये भी लगा सकते हो आप लोग, पर ये सब क्या गेमिंग में मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये लगने के बाद आपको अपना इमेज ऐड करना है। इमेज कैसे ऐड करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैनेजर हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स में जाऊँगा, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर है तो यहाँ पे ग्राफिक्स में तो मैनेजर भैया दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे ये है, ये है बंदा, इसका एडिट फोटो करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। इसके इमेज की जगह पे, इस इमेज की जगह पे क्या करना है आपको, अपना इमेज लगाना है, ठीक है। अब इसको अपना इमेज कैसे लगा रहा है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एडिट इमेज में जाना है, इसका इमेज मैजिक इरेजर से इसका इमेज काटना है, ये जितना भी है ना इसका इमेज पूरा काटना है,
ठीक है, इरेज, और भी पोर्शन है यहाँ पे तो उसको भी काट देना है। इरेज, जैसे ही ये इरेज हो जाता है इसके बाद इसमें अपना इमेज अटैच करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये हो गया, अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, राइट। अब इसमें मैं अपना इमेज ऐड करूँगा। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे ये इमेज है, इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। अब एडिट इमेज में जाऊँगा, बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और सबसे पहला मैं अपने इमेज को जूम कर दूँगा। अब इसको मैं इमेज को काटूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैजिक इरेजर में फिर से जाना है, ब्रश का साइज़ बढ़ा देना है, एक मिनट फिर से पीछे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैजिक इरेजर में जाना है और यहाँ पे जितने भी इमेज है इसको मेरे को अच्छे से, अरे यार फिर से पीछे जाना है जब मिस्टेक हो जा रहा है तो। मैजिक इरेजर, बराबर। अब इसको ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा देना ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। इसको मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ से कट कर दिया पूरा इमेज को। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि गले के पास है कि नहीं, तो गले का पोर्शन तो पूरा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये पोर्शन को बराबर से एडजस्ट कर दूँगा। अब ये जितने भी पोर्शन है सबको डिलीट, इरेज कर दूँगा। इरेज करने के बाद मेरा चेहरा बचेगा, राइट। अब ये चेहरे को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से। अब लगाने के बाद सबसे पहला मेरे को यहाँ पे अपने इमेज को अच्छे से क्रॉप कर देना है। ये हो गया क्रॉप। अब ये होने के बाद गाइस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इमेज को अपने बराबर से फिट करना है इसके अंदर। ये फिट कैसे होगा, राइट क्लिक करके लेयर में जाना है, सेंड बैकवर्ड कर देना है। जैसे ही सेंड बैकवर्ड करोगे यहाँ पे ये इमेज आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे इसको आराम से बैठ के एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैच हो रहा है इमेज, ठीक है, चेहरा मैच हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कैसे क्या है क्या नहीं है क्योंकि मैच हो गया। अब इसके बारे में बाद में जो भी टेक्स्ट आएगा, मोटल मैनेजर ये वो, इसको बोर्ड को आप लोग बड़ा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और जो भी है यहाँ पे क्लास लो जो भी है सब चीज़ आप लोग बॉक्स वॉक्स जो भी आपको यहाँ पे डालना है ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। तो आई होप वीडियो चलेगा, वीडियो चला चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।